तो कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर नदी के किनारे दरख्त से लटका हुआ एक स्लॉट दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद हम पानी के अंदर खून देख रहे थे, शायद उस मगरमच्छ ने स्लॉट को खा लिया होगा। पर हैरानी की बात थी, कुछ ही देर बाद हम उस स्लॉट को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बच गया था, लेकिन यहाँ एक शिकारी के हमले से नहीं बच पाया जो उसे बेहोश करने वाली गन से शूट करते हुए बेहोश कर देता है और अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने इस स्लॉट के ऊपर हमला किया था वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है। यानी ये स्लॉट कोई मासूम जानवर नहीं था बल्कि ये खून खार जानवर था। फिर सीन के टुकड़े हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं और इसमें से एमिली है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर। यहाँ एमिली के साथ एमिली के दोस्त मेडिसन थी। एमिली सोशल मीडिया दिखती वो यहाँ बार बार अपनी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर रही थी और ये चीज मेडिसन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए तंग आकर मेडिसन यहाँ से चली जाती है। उसे जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉग नजर आता है जिसे वो पकड़ कर उसके साथ सेल्फी लेनी शुरू कर देती है। डॉग का मालिक एमिली की तारीफ करता है कि तुम नरम दिल की हो तो वे जानवर से प्यार है। ये दोनों इस डॉग के साथ पिक्चर लेते हैं और एमिली इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें होती है और एमिली इस आदमी के अकाउंट में एक स्लॉट की तस्वीरें भी देखती है। वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। ये आदमी उसे बताता है कि ऐसे जानवर को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर तुम इसे लेने जाओ तो तुम्हें इससे कॉन्टेक्ट करना। ये कहते हुए वो अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर हम एमिली और मेडिसन के कॉलेज को देखते हैं। यहीं पर हम सिद्धि नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो उनके कॉलेज हॉस्टल के 3 इलेक्शंस जीत चुकी है और इस मरतबा भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन उससे डरते भी थे क्योंकि वो मकरूर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। एमिली जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का पता चलता है। वो जो भी कोई था एमिली उसे मारकर गिरा चुकी थी और फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका अपना ही दोस्त था जो सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया हुआ था। फिर अब हम एमिली के हॉस्टल की वार्डन से मिलते हैं जो कि एमिली को बताती है कि जब उसकी मॉम इस कॉलेज में पढ़ती थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। एमिली जानती थी कि वो सिर्फ इसलिए जीत तो नहीं सकती लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो भी चाहती थी कि वो हाउस प्रेसिडेंट बने, इसीलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लेती है। अब इलेक्शन जीतने का तो एक ही तरीका था कि वो सीट भी जितनी पॉपुलर हो जाए और पॉपुलरिटी की बात से उसे उस आदमी की बात याद आती है कि अगर उसे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो एक स्लॉट को ले सकती है। ये आइडिया यूनिक था काफी, इसीलिए एमिली ने उस आदमी से कॉन्टेक्ट करके उससे स्लॉट को खरीदने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने एमिली को एक लोकेशन बताई जिसपे अगले दिन आकर वो इस स्लॉट को ले जाती। सीन कट होकर अब हम उस आदमी को देखते हैं जो उसी स्लॉट को जब पिंजरे से निकाल कर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाला होता है तो ये स्लॉट बुरी तरह अपने पंजों से उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अगले सुबह जब एमिली उस आदमी के घर पहुंची तो वो आदमी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। घर भी काफी बिखरा हुआ था। उसे यहाँ पर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया लेकिन उसकी नजर स्लॉट पे पड़ गई जो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसीलिए एमिली बिना किसी को कुछ बताए उसे उठाकर यहाँ से चली जाती है। उसे लेकर जब वो अपने हॉस्टल वापस आई तो उसने देखा कि सिडनी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मीटिंग कर रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि यहाँ उसके ओपोनेंट ने कोई इलेक्शन में खड़ा हो चुका है। एमिली को देखकर सिडनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो उसका पीछा करती है और गुस्से में उसके हाथ में मौजूद बॉक्स उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इस बॉक्स में स्लॉट था और ये बात उसे मालूम नहीं थी। जैसे ही स्लॉट उस बॉक्स से बाहर निकल रहा है तो सभी लड़कियों को ये बहुत क्यूट लगा। एमिली जल्दी से जाकर अपने स्लॉट को गोद में उठा लेते हैं। सीढ़ियों से बताती है कि रूल्स के मुताबिक वो इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती। जैसे जवाब में एमिली उसे एक नया रूल बताती है कि अगर ज्यादा लोग उसके हक में वोट देते तो वो भी इस पेट को यहाँ रख पाएगी। काफी सारी लड़कियाँ स्लॉट को यहाँ रखने के लिए वोट कह देती है जो सुनकर एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वो भी इस मरतबा हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आया लेकिन सिडनी फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस स्लॉट की वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेडिसन जो एमिली की दोस्त है उसे ये जानवर ठीक नहीं लग रहा था। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम इस जानवर को वही छोड़ाओ जहाँ इसकी जगह है, इन्हें जंगल में यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एमिली उसकी भी एक बात नहीं सुनती क्योंकि इस स्लॉट की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। ऐसे अब एमिली बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। यहाँ पर एमिली की एक दूसरी दोस्त उसे स्लॉट के लिए कुछ टैबलेट्स ला कर देती है जिसकी वजह से स्लॉट जब लोगों में जाए तो ज्यादा एंजाइटी ना ले। सिडनी ने अपनी दोस्त को काम दिया कि वो एमिली के स्लॉट को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाए जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंकेट होकर हम एमिली को देखते हैं जो इस टाइम स्लॉट को वो मेडिसिन दे देती है
जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों में ले जा सकती थी, जिसके बाद खुद वो तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं कि ये स्लॉट उसका कंप्यूटर चला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई इंसान हो। उसे सब समझ आ रहा था। उसने एमिली की प्रोफाइल खोलते हुए उस आदमी की भी तस्वीर देखी थी जो आदमी उसने जंगल से पकड़ के हालाया था, और इस आदमी को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसने अपने मुंह में मौजूद टैबलेट भी थूक दी। एमिली भी रेडियो पर अब बाहर आ जाती है। स्लॉट उसके सामने नॉर्मल करने की एक्टिंग करता है और एमिली उसे उठाकर पार्टी में ले आती है। पार्टी में सभी स्लॉट को काफी पसंद कर रहे थे। अब वो लड़की जिसने सिडनी ने स्लॉट को यहाँ से दूर ले जाने का काम किया था, वो एमिली से स्लॉट को ये कहकर मांगती है कि मुझे बहुत क्यूट लगता है, या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे इसे गोद में दो। कि एमिली उसकी बात मानकर स्लॉट को उसकी गोद में दे देती है, और सिडनी के इशारे करने पर वो लड़की उसे यहाँ से दूर जंगल में छोड़ आती है। सिडनी का काम पूरा हो गया था, वो लड़की हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लॉट भी जंगल में वापस नहीं गया, वो भी उनकी हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो वो बार बार एक कार के नीचे जाते बचा, लेकिन फिर आखिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग में आ ही गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लड़की की विंडो तक भी पहुंच गया जो लड़की उसे जंगल के पास छोड़ कर आई थी। स्लॉट ने उस लड़की के ग्लास में अपनी सारी एंजाइटी वाली टैबलेट्स डाल दी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये स्लॉट कोई आम स्लॉट नहीं है, ये बहुत चलाक है, ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला लेता है, इसीलिए वो इस लड़की से भी बदला लेने वाला था। ये लड़की जैसे ही ये टैबलेट्स मिली हुई ड्रिंक पीती है तो फौरन ही चकरा कर गिर जाती है। अब उसे स्लॉट भी नजर आ रहा था, उसे लगा कि ये उसकी इंग्रीडियंट्स आ रही है, लेकिन स्लॉट तो असल में वहां था, जो कभी यहाँ तो कभी वहां भूतों की तरह लेटा कर रहे। उस लड़की को बहुत ज्यादा डराता है, और फिर आखिर उसके ऊपर जंप करते हुए अपने बड़े बड़े नाखून उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। क्या हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो गई थी। तेजी से सभी लोग वापस जाने लगे थे क्योंकि बारिश भी होने वाली थी, जबकि एमिली यहाँ पर अपना स्लॉट ढूंढ रही थी। तभी उसके पास सिडनी आती है और उसे कहती है, ओह तुम स्लॉट को ढूंढ रही हो ना, उसे तो सारा जंगल में छोड़ा है। ये बात जानकर एमिली को बहुत दुख होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भी आई, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। नाउम्मीद होकर वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो स्लॉट के लिए रो भी रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में स्लॉट जिंदा सही सलामत नजर आया। उसे देखकर एमिली को सुकून आ जाता है। वो जल्दी से उसे उठाकर गले लगाती है, ये जाने बखैर कि अभी अभी वो स्लॉट एक लड़की का मर्डर करके आया है। अंधेरे में तो एमिली ये भी नहीं देख पाई थी कि स्लॉट के हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। अजीब बात हुई थी कि इनकी ग्रुप की एक मेंबर गायब हो गई थी और इन लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजर जाते हैं, स्लॉट यहाँ सभी लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन जब सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से एक लड़की से बास्केटबॉल स्लॉट के ऊपर गिर जाती है। स्लॉट उसे किसी इंसान की तरह कैच करके गुस्से में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। उसे अब इस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए रात में वो इस लड़की का भी जाकर मर्डर कर देता है। स्लॉट के साथ जो कोई भी कुछ गलत करता या स्लॉट को जो लड़की पसंद नहीं आती, स्लॉट उसका जाकर मर्डर कर देता था। किसी को करंट लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करते हुए। मजेदार की बात ये थी कि ये सारे किए हुए मर्डर्स किसी के सामने भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्लॉट लोगों को मारने के बाद लाशें उनकी छुपा देता था, और कोई उन्हें ढूंढता भी नहीं था, क्योंकि स्लॉट खुद ही उन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट कर देता था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। एमिली के दोस्त यहाँ मेरे से नोटिस करते हैं कि दिन ब दिन एमिली के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसे किसी गड़बड़ के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात कर लिखना चाहती है। वो दोस्त भी एमिली के पास ही बैठी हुई थी इस वक्त, और यहाँ स्लॉट भी था। स्लॉट इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और बियर पी कर इन लोगों के सामने बिल्कुल इंसानों की तरह वाइप भी करता है। एमिली और दूसरी लड़की इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि मेडिसिन ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो भी एक जानवर का। अब एमिली यहाँ पुल के पास से उठकर अंदर कुछ चीजें लेने के लिए चली जाती है, और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसिन स्लॉट को लेकर यहाँ से भागने वाली थी। वो चाहती थी कि या तो वो स्लॉट को जंगल में छोड़ाए या फिर शेल्टर में, वो उसकी दोस्त एमिली के पास ना रही। लेकिन वक्त रहते ही यहाँ एमिली आकर उसे पकड़ लेती है। ये जानने तक कि उसकी दोस्त उसके लिए अच्छा चाहती है, वो यहाँ अपने दोस्त से बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान स्लॉट एमिली का फोन उसकी पॉकेट से बाहर निकाल के पास सड़क पर फेंक देता है। मेडिसिन जैसे ही उसका फोन उठाने के लिए आगे जाती है तो फौरन से एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये स्लॉट ने जान बूझ के करवाया था। वो तो उसे दिख रहा था एक गाड़ी को आते हुए। वो जानता था कि जब मेडिसिन वो फोन उठाने जाएगी तब ये गाड़ी ठीक उसी वक्त उसके ऊपर से गुजर जाएगी। मेडिसिन को बहुत बुरी चोटें आई थी और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वो मरी नहीं थी। अपने दोस्त को सारी उम्मीद
एमएलए को भी बहुत दुख हुआ। वो मेडिसिन से वादा करते हैं कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो इस लॉट को शेल्टर में छोड़ आएगी। बस आज रात इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लॉट दो और लड़कियों को मार देता है। दो लड़कियों को मारने के बाद अब वो एक लड़की के सेलफोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहाँ पर मेडिसिन एडमिट थी, क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता था। भाई वो एमएलए की कार चुराता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो किसी इंसान से भी ज्यादा शिकार ड्राइव कर रहा था। यहाँ इन सबको अपनी गाड़ी और बाकी लोगों की गायब होने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि सभी इलेक्शन सुन बिजी थे। सभी लड़कियों ने रेड कलर के गाउन पहने हुए थे और एमएलए को बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार था। वोट्स गिने जा रहे थे, सिडनी बस जीतने वाली थी, लेकिन अचानक से एमएलए के 2-4 वोट ज्यादा होने की वजह से वो जीत जाती है। उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी, जबकि दूसरी तरफ सिडनी उससे जलस हो रही थी। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वर्थ पहुँच चुका है। मेडिसिन को मारने के लिए पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह के ऊपर पिलो रखकर उसका दम खोल के उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मेडिसिन मर जाती है, यहाँ पर सिस्टर एंट्री कर लेती है, जिससे छुपने के लिए स्वर्थ बेड के नीचे जा चुका था। सिस्टर वक्त रहते ही मेडिसिन के मुंह के ऊपर से एक पिलो उठाकर उसका ऑक्सीजन मास्क उसे वापस लगा देती है और ऐसे मेडिसिन की जान एक और नाइट बच जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टल में सिडनी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अपनी हार का दुख पाने के लिए वो जैसे ही अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में उसे अपने दोस्त की लाश मिलती है। इस लाश को देखकर वो जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज़ न सुन पाया। एमएलए और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गुबई हुई लोगों के बारे में बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं ये सभी हॉस्टल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। बातें करते हुए एमएलए को अपने रूम से कुछ चीजें लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसे सिडनी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो जब आवाज़ का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि सिडनी के सर पे वो स्लॉट बैठा हुआ था। एमएलए ने बिना उत्साह किए उस स्लॉट के सर पे कोई चीज मारकर उसे बेहोश करके उसके सर से उतार दिया। अब तो उसे यकीन आ रहा था कि मेडिसिन सच कहती थी, ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस लॉट से जान बचाने के लिए ये दोनों लड़कियां वॉशरूम में छुप जाती है जहाँ अब दूसरी लड़की की लाश उन्हें नजर आती है। इस लाश को देखकर सिडनी जब डर की मार में दोबारा चलाती है तो एमएलए उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है और कहते हैं पैनिक होने के नहीं, खुद को बचाने का वक्त है ये। कुछ देर बाद जब इन्हें लगा कि स्लॉट कमरे से जा चुका है तो ये लोग कमोड का लेटर उठाते हुए वहां से बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लॉट तो टांग पर टांग रखे कुर्सी पे बैठा उनका इंतजार कर रहा था। सिडनी वापस वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी एमएलए यहाँ फंस जाती है। अब जैसे ही स्लॉट उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने हाथ में मौजूद कमोड के नोट को बैग की तरह यूज करते हुए वो इस स्लॉट को एक जोरदार हिट करती है और स्लॉट शील्ड की तोड़ते हुए वहां से बाहर गिर जाता है। एमएलए को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन वो देखते हैं कि इस स्लॉट को उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से पीछे जाकर बाकी लड़कियों को इस स्लॉट के खतरे के बारे में आगाह करना चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां पार्टी में मगन थी और उसके नीचे पहुंचने से पहले ही यहाँ स्लॉट अपना काम दिखा जाता है और एक इलेक्ट्रिक वायर यहाँ वॉशरूम के पानी में छोड़ते हुए सबको करंट लगाकर मार देता है। सारी लड़कियों में सिर्फ एमएलए की तीसरी दोस्त बचकर यहाँ से निकल पाई थी। स्लॉट इन सबको मारने के बाद यहाँ हॉस्टल की वार्डन के पास गया। वार्डन भी इस वक्त नशे में थी। वो पहले स्लॉट को देखकर कुछ देर तक तो अपने डिफेंस करती है स्लॉट से, अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन फिर स्लॉट उसे ओवरपावर करके अपने बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ उसके पेट के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार देता है। सेम कट होकर हम एमएलए की दोस्त को देखते हैं जो इंस्टाग्राम चला रहा था। उसे इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक हॉस्टल की लड़कियों की पिक्चर्स नजर आती है जिन सबके पीछे स्लॉट था। सभी लड़कियों की आंखें बंद थी, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ थी और इसी गड़बड़ को देखने के लिए वो जल्दी से हॉस्टल आता है। उसने हॉस्टल में आकर देखा कि बाकी यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो अब एमएलए को बचाना चाहता था, इसलिए दोनों साथ मिलकर स्लॉट को मारने का फैसला करते हैं। एमएलए की तीसरी दोस्त जो यहाँ बच गई थी उसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी मदद से वो स्लॉट को मारना चाहती थी। अब ये तीनों एक टीम में बनकर स्लॉट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की तलवार की मदद से स्लॉट को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से तलवार के हर वार से बच रहा है, ऐसे जिसने उसे मार्शल आर्ट दिया थी। अब वो उस लड़की को हराते हुए उसकी तलवार लेने में भी कामयाब हो चुका था। इससे पहले कि वो इस तलवार से उस लड़की को मार देता, यहाँ जख्मी मेडिसिन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी वो गन लेकर यहाँ पहुँच जाती है। पीछे से ही मेडिसिन ने उसे शूट किया और ये स्लॉट गिर गया। इन सबको लगा कि स्लॉट मर गया है। मेडिसिन के साथ साथ यहाँ एमएलए की दूसरी दोस्त भी जख्मी हो चुकी थी। इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी था। वो लड़का इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का काम करता है जबकि एमएलए ये कंफर्म करने के लिए पीछे स्लॉट की तरफ मुड़ती है कि क्या वो मरा भी है या नहीं। उसे यकीन नहीं था, वो एक बड़े से रॉड पे सर गए उसे खुद स्टैब करके मारना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो स्टैब करती स्लॉट फिर वक्त लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। एमएलए के बाकी साथी अब हॉस्पिटल जा चुके थे और एमएलए अकेले ही इस हॉस्टल में थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से खराब हुआ है और ठीक भी, अब उसे ही करना है। अब तलवार उठाए एमएलए जोर जोर से स्लॉट को पुकार रही थी और इतनी ही देर में सीढ़ियों के ऊपर से सिडनी उतरती हुई आती है। स्लॉट उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन पे रखे हुए थे।
ऐसे जैसे वो मार देगा, इशारा करते हुए स्लॉथ एमएलए से उसकी तलवार फेंकने को कहता है। और जैसे ही एमएलए वो तलवार फेंकती है, स्लॉथ जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि अब स्लॉथ उसे मार देता, एमएलए अपने पास छुपाई हुई गन से उसे शूट करके मार देती है। इस मरतबा उसका वार काम भी कर गया था, स्लॉथ बिल्कुल मरने वाला था। और मरने से पहले स्लॉथ यहाँ एक जंगल की लगी हुई पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि वो वापस अपने घर जंगल जाना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मर गया था। उसके मरने के बाद ये सब लोग इस हॉस्टल का नाम स्लॉथर हाउस रख देते हैं। कुछ अर्से बाद हमें दिखाया जाता है कि इस हॉस्टल में दोबारा पहले जैसे चहल पहल हो गई है। कोई भी अब यहाँ रहने से डरता नहीं। शायद किसी को ये मालूम ही नहीं कि यहाँ पहले कितने सारे मर्डर हुए होंगे। कहानी के आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ की सैर करने के लिए एक पूरा ग्रुप गया है। यहाँ एक लड़की एक स्लॉथ के साथ तस्वीर लेती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।